हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लॉन्ट फैशन। आज की वीडियो में हम लाए हैं कन्वर्ट टी शर्ट इनटू बेबी ड्रेस रोम्बर। ये मेजरमेंट है। ये रोम्बर हम 2 से 4 साल के बच्चे तक के लिए बना रहे हैं। उसके लिए हमने पुरानी टी शर्ट ली है एल साइज। इस टी शर्ट को गाइस सबसे पहले आप फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। अब हम इस पर मार्किंग लगाएंगे। लेंथ हमें 14 इंच तैयार चाहिए, तो हम इसको 14.5 इंचेस पे लेंथ पे मार्किंग करेंगे। विड्थ हम लेंगे 7.5 इंचेस पे, ये देखिए, और इस पर प्रॉपर मार्किंग कर देंगे। अब इस एरिया को आप कट कर लीजिए, स्ट्रेट आप इसको कट कर लीजिए। ये देखिए, कटिंग हो गई है हमारी। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले आप 1.5 इंच के मार्जिन के साथ एक पूरी स्ट्रेट लाइन मार्क कर दीजिए इस तरीके से। अब आप उस 1.5 इंच से 3 इंच पर मार्क कीजिए, ये हमारा शोल्डर की मार्किंग होगी। और इससे नीचे आप लीजिए 4 इंच की लेंथ पे मार्किंग, ये हमारा आर्म होल होगा। इससे आप एक बॉक्स ड्रॉ कर दीजिए। अब आप सीने का मार्क लगाइए 4.5 इंचेस पे। अब लगाएंगे आप आसन का मार्क 10 इंच पे। अब यहाँ पर जहाँ पर 10 इंच पे मार्क किया है, वहाँ पर 1.5 इंच वाला जो एरिया था उसमें आप आसन का कर्व ड्रॉ कर देंगे और नीचे मोरी का भी पॉइंट लगा देंगे। अब ये जो 10 इंच वाला मार्क था, इसको आप साइड से आर्म होल के पॉइंट से भी जोड़ देंगे ऊपर तक। पहले सीने से जोड़ेंगे, फिर सीने से आर्म होल तक जोड़ देंगे। अब इन सबको हम कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरफ से ये पीस खुला होना चाहिए, इसलिए हमने बीच में स्लिट करते हुए स्टार्ट किया है। ये साइड में हम कट कर रहे हैं, ये कटिंग हो गई है। अब सबसे पहले हम जो आसन था उसको स्टिच कर देंगे दोनों को, और साथ साथ अब हम 4 स्ट्रिप्स को कट करेंगे, जिसकी लंबाई होगी 14 इंच और चौड़ाई आप 1.5 इंच ले लीजिए। जो साइड में कपड़ा था वही कट कर लिया, इसको अब हम बीच में से स्लिट कर देंगे। अब इसको हम प्रॉपर फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई कर देंगे, जिससे हमारी स्ट्रिप तैयार हो जाएगी। गाइस ये देखिए, हमने ये आसन जोड़ दिया था मीनवाइल। ये देखिए, स्ट्रिप्स भी तैयार हो गई हैं। अब हम पॉकेट के लिए कट करेंगे कपड़ा, जिसकी लेंथ लेंगे 4.5 इंच और विड्थ भी लेंगे 4.5 इंच। ऐसे दो हम कपड़े कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमने कट कर लिया, ये कट हो गए हैं पीसेस। अब हम जो हमारा फ्रंट पीस है रोम्बर का, उसको उठाएंगे और उसके जो नीचे मोरी है उसके मिडल में मार्क कर देंगे, क्योंकि हम यहीं पर अपनी पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट का भी आप मिडल मार्क कर दीजिए। देखिए इस तरीके से दोनों पॉकेट पे, दोनों मोरी पे मार्क कर दिया है। अब हम पॉकेट को तैयार करेंगे, तो इसको इसके चारों साइड्स को हम फोल्ड करेंगे। सबसे ऊपर वाली साइड को डबल फोल्ड करेंगे और सबको सिंगल फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। ये देखिए, हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। अब इसको हम मोरी लेंगे, उस पर जो सेंटर था सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको स्टिच कर देंगे 3 साइड। सबसे ऊपर वाली साइड को स्टिच नहीं करेंगे, जैसे एक पॉकेट होती है। ये देखिए, दूसरी साइड भी वैसे ही करेंगे, इसको पिन अप कर देंगे सेंटर से सेंटर। और इसकी भी 3 साइड स्टिच कर देंगे। ये देखिएगा, इस पॉकेट हमने स्टिच कर दी है। अब हम जो नीचे वाला क्रॉच एरिया है, नीचे वाला आसन का एरिया, उसको हम स्टिच करेंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। ये भी स्टिच हो गया है। अब हम साइड्स को स्टिच करेंगे। गाइज, अब इस कपड़े को आप डबल फोल्ड कर लीजिए उल्टा करके, और ऊपर आर्म होल का जो मार्क था 3 इंच, उस पर हम मार्किंग कर देंगे और उस पर एक छोटा सा कट लगा देंगे, क्योंकि साइड की सिलाई इस आर्म होल की मार्किंग तक होनी है।
अब हम यहाँ से नीचे तक पूरा स्टिच कर देंगे दोनों तरफ। देखिए इस तरीके से इन दोनों को स्टिच कर लीजिए। ये देखिए स्टिच हो गया है। अब हम बायस स्ट्रिप कट करेंगे आर्म होल जो हमारा बना हुआ है उसके लिए। एक इंच की चौड़ाई के साथ आप अपनी बायस स्ट्रिप को कट कर सकते हैं। अब हम आर्म होल ले रहे हैं, आर्म होल पर स्ट्रिप रखेंगे, उसको स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से। अभी हम सबसे पहले इसके ऊपर जो शोल्डर वाला मार्क था उसकी चौड़ाई को मेजर करेंगे। चौड़ाई है 7 इंच, तो हमने 9 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी दो पट्टियां काट ली हैं ऊपर जोड़ने के लिए। तो ऊपर इसको स्टिच करेंगे इस तरीके से। गाइज इस टाइम हमें वो स्ट्रिप्स उठानी है जो हमने पहले बनाई थी और इसको बिल्कुल जो हमारा रोम्बर है उसके एज पे लगाना है, जो शोल्डर्स हैं उसके एज पे लगाना है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि सिलाई यहाँ पे एंड हो रही है तो यहीं पे लगाना है। इसको आधा इंच के मार्जिन से स्टिच कर देना है। ये हमने आगे पीछे दोनों स्टिच कर दिया है। अब ये ऊपर वाली स्ट्रिप को डबल फोल्ड और आर्म होल की बाय स्ट्रिप को भी हम डबल फोल्ड करेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए देखिए ये हमने स्टिच कर दिया है। अब ऊपर जो ये स्ट्रिप्स हैं इनको आप टाई कर लीजिए इस तरीके से। देखिए ये हमारा रोम्बर तैयार है। ये बहुत ही प्यारा लगता है, हमारी टी शर्ट रीयूज भी हो जाती है और बच्चों के लिए अच्छी सी ड्रेस भी बन जाती है। देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइज़ आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।